गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आर यू फाइन? वेरी गुड, आई एम ऑल्सो फाइन. आज हम जीके में एक चैप्टर डिस्कशन करेंगे. कौन सा चैप्टर होगा? फेमस बिल्डिंग्स एंड माउंटेन्स ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे. तो फर्स्ट पिक्चर इज है ताजमहल. तो ताजमहल आपको पता है कि कहाँ पे आया हुआ है? वेरी गुड, आगरा में. किस नदी के किनारे पे आया हुआ है? यमुना नदी के किनारे पे. तो आपको पता है आगरा का ताजमहल किसने बनाया है? वेरी गुड, शाहजहाँ ने. किसकी याद में? मुमताज़ की याद में, है ना. उसको एक प्रेम का प्रतीक बोला जाता है जो आगरा में आया हुआ है. सेकंड है कुतुब मीनारा. जो कुतुब मीनारा है वो कहाँ पे आया हुआ है? दिल्ली में आया हुआ है. कहाँ पे? दिल्ली में आया हुआ है, जो कुतुब अय्यूब नाम के एक राजा ने उसके बनाया था. हमारा इंडिया का सेकंड विश्व वर्ल्ड में सेकंड टूर पे ये आता है कुतुब मीनारा, जो बहुत ऊंचा है. उसके बाद है इंडिया गेट. तो इंडिया गेट आपको पता है किसकी याद में बनाया गया था? कोई बात नहीं. तो इंडिया गेट है वो हमारे जब हमारे इंडिया पे ब्रिटिश राज्य का साम्राज्य था, तब हमारे एक बड़ा युद्ध हुआ था. उस युद्ध में बहुत सारे इंडियन सोल्जर यानी बहुत इंडियन सैनिक मर गए थे. तो उस शहीद होने के बाद तो यहाँ पे एक अंग्रेज ने जो अफसर थे उसने तय किया कि उन्हीं की याद में एक बड़ा कोई एक इमारत खड़ी की जाए. तो यहाँ पे एक इंडिया गेट बनाया गया. क्या बनाया गया? इंडिया गेट. अंडरस्टैंड? ओके. तो ये भी कहाँ आया हुआ है? दिल्ली में. उसके बाद है लोटस टेम्पल. तो आपको तो पता होगा कि हमने राम मंदिर देखा है, शिव मंदिर देखा है, बट लोटस टेम्पल नहीं देखा है. तो लोटस टेम्पल है वो पाही धर्म के लोगों ने बनाया. किस धर्म के लोगों ने बनाया है? पाही धर्म के लोगों ने. बट वहाँ पे बहुत सारे सभी धर्मों को आने की छूट होती है, यानी आ सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं. उसको मदर टेम्पल भी बोला जाता है. और यहाँ क्या करते हैं लोग? प्रे करते हैं, जो 1986 में बनाया गया है. उसके बाद है चर्च मीनार. तो चर्च मीनार है वो कुतुब शाह ने बनाया है. किसने बनाया है? हमारे आपको पता है कि हमारा देश आज़ाद तो 1947 में हुआ था, बट उसके पहले अंग्रेज से पहले कौन राजा? बहुत मुस्लिम राजा राज करते थे. तो उसमें एक राजा थे कुतुब शाह ने. तो कुतुब शाह ने ये मीनार क्यों बनाया? क्योंकि उस टाइम जिस तरह हम भी कोरोना की बीमारी आई है ना, उसी टाइम वहाँ प्लेग नाम की बीमारी आई थी. तो प्लेग नाम की बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, उस दुआ को अल्लाह कबूल कर ले, तो वहाँ चर्च मीनार बनाएगा. कौन बनाएगा? कुतुब साहब. तो वहाँ कुतुब साहब ने चर्च मीनार बनाया है 1591 में. तो वो कहाँ पे आया हुआ है? हैदराबाद में आया हुआ है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? जो लोटस टेम्पल है वो दिल्ली में आया हुआ है, जो चर्च मीनार है वो हैदराबाद में आया है. उसके बाद है गेटवे ऑफ इंडिया. गेटवे ऑफ इंडिया वो मुंबई में आया हुआ है. जो मुंबई आप टूर करने जाओ तो कंपलसरी गेटवे इंडिया की सब टूर लेते हैं, टूरिंग वहाँ देखने जाते हैं. उसके बाद है बुलंद दरवाज़ा. बुलंद दरवाज़ा है वो कहाँ पे आया हुआ है? यस, आगरा के वहाँ एक ज़िला था फतेहपुर. फतेहपुर जो एक अकबर आपको पता है, नाम सुना है ना आपने अकबर का? हाँ. तो वो अकबर नाम का राजा गुजरात के जो राजा थे ना, उसको हरा के अपनी खुशी मनाना चाहता था. और उसने ये क्या बना दिया? बड़ा सा एक दरवाज़ा बना दिया, जिसका नाम डाला था बुलंद दरवाज़ा. और उसका काम था ना टोटल 12 ईयर, यानी 12 वर्ष तक चला हुआ था. उसके बाद है हवा महल. हवा महल है वो राजस्थान में है. कहाँ पे है? राजस्थान में. उसमें बहुत सारी बारी यानी डोर है. आपको पता है ना डोर, हवा यानी जहाँ से हवा आ सकती है. तो उसका जो आगे का जो मुख है ना, वो कृष्ण भगवान के मुकुट जैसा बनाया हुआ है. इसी मान्यता बोली जाती है, जो राजस्थान में सवाई प्रताप ने बनाया था. किसने बनाया था? उसको इच्छा हुई और उसने ये हवा महल बना दिया, जो राजस्थान में है. उसके बाद है रेड फ्रंट यानी लाल किला, जहाँ हमारा राष्ट्रध्वज
15 अगस्त एंड 26 जनवरी हमारे राष्ट्रपति एंड वड़ाप्रधान जहाँ लहराते हैं वो रेड फ्रंट जो आगे सॉरी कहाँ पे आया हुआ है, दिल्ली में आया हुआ है, तो उसके बारे में तो आप जानते हैं। ओके, इसके अलावा भी हमारे फेमस बिल्डिंग और कई सारे इमारतें हैं उसके बारे में आप जानते हो, तो आप ये इन्फॉर्मेशन है वो आपको कलेक्ट करने की है, अंडरस्टैंड, और ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखने की है। अब आपको क्या करने का है, ये 9th आपको याद रखने का है, किसने बनाया था, कहाँ पे आया हुआ है, आपको कहाँ पे आया हुआ है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ताजमहल है वो कहाँ पे है, वेरी गुड, ताजमहल है वो आगरा में है, कुतुब मीनारा दिल्ली में, इंडिया गेट दिल्ली में, लोटस टेम्पल दिल्ली में, चर्च मीनारा हैदराबाद में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर यानी आगरा में जब था, और हवा महल राजस्थान एंड रेड फ्रंट दिल्ली में। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, सो क्लियर? ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको ये याद रखने का है और लिसन टू केयरफुली, अच्छे से आपको वीडियो देखने का है। ओके, बाय एंड टेक केयर।